साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। इस लाइन को तो आप सुनते सुनते मुझे लगता है आप बोर हो चुके हो, लेकिन आज एक उस शख्स से मिलवा रहा हूँ जिसे मिलवाने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, आप सभी जानते हो। लेकिन सबसे पहले एक चीज बता दूं कि लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस इज एन अनऑफिशियल मीटिंग। अरे यार, इससे पता चलता है मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। आपको मिलवा रहा हूँ मैं द लीजेंड कुमार गौरव सर। अब इनसे कौन नहीं जानता है, और ये ऐसा है, ये कहना भी जरूरी है, कई लोगों को ये लगता है सर कि इन दोनों मिल रहे हैं ना, ये तो इनके कुछ ना कुछ मीटिंग है या कुछ करने वाले हैं मिलकर, बस नाम ही सेम है हमारा। और जबकि कर क्या रहे हैं, सिर्फ दोस्ती है। उस दोस्ती के तहत एक भाई मिलना तो बनता है कि भाई दोस्ती है, जब व्हाट्सएप पे कब तक बात करें। तो बिल्कुल नमस्कार साथियों, ये लाइन भी आप सुन लीजिए है ना। तो अभी गौरव जी घर पर आए हुए थे जोधपुर, और खाना खाने ही वाले हम जस्ट अभी थोड़ी देर बाद में ही। तो खाना खाने से पहले आपकी याद आ गई, तो हमने आपको सूचना देने के लिए सोचा। तो अभी गौरव जी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो क्रिएटिव कार्निवल्स होने वाला है दिल्ली के अंदर 30 तारीख को। मैं बड़ा मिस करने वाला हूं उसे, क्योंकि मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी महात्मा जी टेक्निकल जो अमरेश सर है, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है और अच्छा प्रोग्राम होने वाला। आप सभी अगर दिल्ली है तो जरूर जाना उस कार्यक्रम के अंदर, बड़ा शानदार कार्यक्रम होने वाला। कार्यक्रम के बारे में तो गौरव से ज्यादा बताएंगे आपके बारे में। उसका कार्यक्रम है भी कैसा, 5,000 क्रिएटर्स एक जगह पर, क्या बात है। और अमरेश सर ने कहा भी है कि बुद्धिमान लोगों को, सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना सबसे टेढ़ी है, बहुत टेढ़ा काम है, और वो कर सकते हैं, उनके पास वो क्षमता है कि वो सबको इंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, तो ये वो काम कर सकते हैं। बाकी गौरव से मिलकर अच्छा भी लगा है, बहुत जल्दी इन्होंने न्योता दिया है अपने घर आने का, तो वहां भी मैं जाऊंगा बहुत जल्दी ठीक होने के बाद में, तो वहां आपसे मुलाकात होने वाली है। बाकी आप खूब पढ़िए, आप खूब मन लगा के पढ़िए, हर कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए आपके लिए तैयार है, पूरी तरफ से मेहनत कर रहा है अपनी। गौरव सर, हर कोई टीचर जो चाहे यूट्यूब पे करे चाहे ऑफलाइन करे, टीचर तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रयास में भी सर जैसे आपकी क्लासेज है, चलो मैं आज मेरी बात नहीं करूंगा, चैनल पे भले ही वीडियो आ रहा है, लेकिन आपकी क्लासेज है तो कहीं ना कहीं, चाहे प्लेटफॉर्म है चाहे कुछ भी है, लेकिन एक कंटिन्यूटी वाली जो चीज होती है ना सर, उसके पीछे सफलता के लिए तो सर निरंतरता जरूरी है सर, लगातार आपको लगा रहना पड़ेगा। सर मान जी सबसे बड़ी एग्जांपल मानता हूँ सर मैं अपनी जिंदगी का, पहाड़ तोड़ दी, मतलब सर 20 साल लगातार हाथ और छह इंच पूरे पहाड़ को उसकी औकात दिखा दी, और एक ही लाइन बोलता हमेशा पहाड़ को देखे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं उसको। तो ये मांझी वाला आपके अंदर होना चाहिए, निश्चित अगर आप मांझी बन गए तो आप मंजिल रूपी पहाड़ को पक्का तोड़ने वाले हो सर। मैं भी ये कहता रहता हूँ इनको स्टूडेंट को, भाई जितने नियमित रहोगे ना उतना आपको फायदा मिलेगा, देर सवेरे से लेकिन फायदा मिलना है, निश्चित मिलेगा सर। अब आप लोगों को जैसे ये कुमार गौरव सर को देखते हैं कि यार एक लीजेंड है, लाइव पढ़ा रहे हैं, 1,00,000 लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एफर्ट कितना, उसके पीछे मेहनत कितनी। बिल्कुल, नियमित रहना, नियमित रहना यानी कि अपने पर्सनल कामों को छोड़ना है, दिखती बात है, फैमिली को भूलना पड़ता है एक दूसरी फैमिली के लिए। मतलब आप देख लीजिए सर, मतलब मैं क्रिएटिव कार्निवल्स नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, पर फिर भी सर मैंने पिछले एक महीने से एक भी छुट्टी नहीं की यूट्यूब के ऊपर। और एक चीज मैं जहाँ यहाँ देख पा रहा हूँ सर की वास्तव में तबियत है ना, गर्म पानी की थैली पड़ी है, और जिस हिसाब से है वास्तव में ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्लासेस कंटिन्यू है। भाई किसी को लगता भी है जैसे देखते हैं ना कि क्या पता दिखावे के लिए किया होगा या पब्लिसिटी के लिए किया होगा या, लेकिन जब ऑलरेडी 1,00,000 लाइव पढ़ रहे हैं उनको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। सर एक बात बोलता हूँ, ऊपर भगवान सबको देख रहा है, बस मुझे भी देख रहा है, सबको देख रहा है सर, वो सारा हिसाब यहीं इसी दुनिया में करने वाला है, ऊपर नहीं छोड़ेगा सर, सारा कुछ यहीं बराबर कर देता है वो। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं सर, तो स्टूडेंट को जानते हैं, स्टूडेंट रहकर यहाँ पहुंचे हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट की पीड़ा जानते हैं, तभी तो ये काम इस तरीके से हो रखा है। बाकी तो अभी खाना खाएंगे हम, छोले भटूरे बनवाए मैंने सर के लिए, इस बहाने मैं भी खा लूंगा। जब मैं घर से निकला तो मेरे मैडम है, उन्होंने कहा कि दीपांशी मैडम बना के खिलाएंगे। मैंने कहा दीपांशी मैडम क्या पता आपको बनाना वो जानते हैं या नहीं, तो कि नहीं मैंने वीडियो देखा, उन्होंने एक बार वो दही बड़े बनाए थे। बिल्कुल, तो कुमार सर ने एक ब्लॉग बनाया था उसके अंदर उन्होंने दही बड़े बनाए थे, मैं ठीक है देखते हैं जाकर। मैंने दीपांशी को बोला छोले भटूरे बनाने, उससे क्या होता है मैं भी खा लेता हूँ इस बानी, वरना अभी किस्मत में है नहीं छोले भटूरे खाना, तो इस कारण मैं भी खा रहा हूँ, तो अभी खाना वाना खाने वाले हम। बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा, और आज मैं इस चैनल के ऊपर हूँ तो मैं लगता है कि सर ने नाम बड़ा शानदार रखा है सर, गौरव ज्ञान धारा जी, जी, ऐसा क्या है मतलब गौरव ज्ञान धारा सर, ये बताओ वीडियो जो शूट कर रहे हैं राम निवास जी,
ये स्तंभ है इसके, और हम बैठे थे स्कूल में ऐसे ही, तो क्या है कि मैं उस समय का टॉपर था, तो बच्चे फोन करते सर क्या से पढ़े क्या पढ़े, इन्होंने कहा कि सर एक चैनल ही खोल देना। मैं ठीक है चैनल खोल देते हैं, और वो खोला और वहीं बैठे बैठे नाम, मैं कि यार कुछ नाम तो होना चाहिए ना, सिर्फ गौरव सिंह गांडेराव में मजा नहीं आएगा, बस वहीं बैठे बैठे कि इसको ऐसे करते ज्ञान लगा देते हैं, धारा लगा देते हैं, गंगा लगा देते हैं, फिर गौरव ज्ञान धारा, और गौरव ज्ञान धारा से कब जेजीडी बन गया। तो गौरव ज्ञान धारा नाम बड़ा प्यारा सा है, और मैं तो क्या कनेक्शन मेरा हो गया सर के साथ में, नाम से ही हो गया समझो आपको। तो आपने पाठशाला में मैंने सर को फोन किया था कि आप भी कुछ डोनेशन दीजिए बच्चों के लिए, सर ने मना नहीं करी एक बार भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जो दिल का जो कनेक्शन है ना वो एक बार में सेट हो जाता है। आप तो भली भांति समझते हैं इस बात को दिल के कनेक्शन के बारे में जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा और ज्ञान की धारा बह रही है, आप भी इसमें डुबकी जरूर लगाना, यही चाहिए सर, और क्या चाहिए, और खूब मेहनत करना आप सभी लोग। और आप सभी के लिए जो मेरी फेवरेट लाइन है, जो मैं अक्सर आपको दिखता है कि मैं उत्कर्ष के चैनल पे बोलता हूँ, आज आपके लिए बोल रहा हूँ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे, खूब मेहनत करना, हर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, और क्रिएटिव कार्निवल्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, छप्पर फाड़ के शुभकामनाएं, इंदिरा गांधी स्टेडियम में धमाल होने वाला है, आप सभी को शुभकामनाएं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस ब्लॉग को अब यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि वो खाने की तैयारी हो चुकी है, वो खाना खा के हमें यहाँ से फिर फ्लाइट भी पकड़नी है, और इसको बहुत जल्द चैनल पे अब आप जब देख रहे हो यानी कि चढ़ ही चुका है, मैं हालांकि बाद में चढ़ूंगा लेकिन ये चढ़ चुका है मान लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर का भी जो इस चैनल के माध्यम से इंटरेक्ट हुए, और दिस इज एन अनऑफिशियल मीटिंग अनऑफिशियल मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में।